तो हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MS पटेरिया के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की वीडियोस में जो हम करेंगे वो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे सीबीएसई बोर्ड को, और मैं 100% आपको बता रहा हूं कि जो मेरे न्यूमेरिकल सिखाए जाएंगे वो बड़े इजी ट्रिक के साथ होंगे, इसलिए आप कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहे, एक दो मिनट के बाद स्केप ना करें। आज का जो हमारा टॉपिक होगा न्यूमेरिकल फॉर सीबीएसई बोर्ड ऑन गॉसेस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके ऊपर गॉसेस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर सीबीएसई बोर्ड के लिए न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा। इसलिए मेरे चैनल MS पटेरिया को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ तो बच्चों, आज हम जो न्यूमेरिकल पोर्शन सोल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, और इसके साथ साथ जो हमारा एक और टॉपिक गॉसेस लॉ के ऊपर। ये जो इस बोर्ड एग्जाम में जो आपका सीबीएसई बोर्ड होता है, अगर आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखते हो और कंप्लीट न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपकी जो पूरी इलेक्ट्रोस्टेटिक्स यूनिट है इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये न्यूमेरिकल हम अलग अलग सेक्शंस में सोल्व करेंगे। सबसे पहला सेक्शन में मैं 3 न्यूमेरिकल पोर्शन लेके आया हूं। इससे पहले, ये सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जनरल, जो आपको हेल्पफुल होंगी ये न्यूमेरिकल सोल्व करने में। तो सबसे पहले मैं जो बात बताऊंगा वो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसकी बात करेंगे। ये छोटा सा मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। मैं क्या कहता हूं कि मान लिया जाए ये एक एरिया है, मैं इसको एक एरिया मान लिया कोई भी, ये ए एरिया है। इस एरिया में से मान लिया जाए ये इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स पास हो रही है, तो क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया, यानी कि जितने एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स पास होंगी उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, फाई से। ये फाई ऐसा सिंगल सिंबल होता है इसका, ऐसे। तो क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें ये इतना एरिया दिया हुआ है, इस एरिया में से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स पास होंगी उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो वही लिखा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स पासिंग थ्रू एरिया, जो गिवन एरिया है। बस क्या होना चाहिए, ये एरिया इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब ये मेरा हाथ है क्या एरिया, और इसके अंदर से ये इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स पास हो रही है, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ फोर्स। इन लाइन ऑफ फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें से पास हो रही है उसके एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये लाइन भी, ये एरिया परपेंडिकुलर, देखिए ये एरिया परपेंडिकुलर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया, जो एरिया दिया उसमें से पास हो रही है, बट शर्त यहां पर यह होगी कि आपका जो एरिया है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के। ये हमारे पास इसकी शर्त होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको डिनोट जो करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। और जो फाई होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है ई मल्टीप्लाइड बाय में डीएस। ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कौन है, एरिया। यानी कि जितनी इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स जानी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, और वो किसमें से पास हो रही, एरिया में से, तो डीएस, और दोनों का क्या, डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट हटाता हूं तो ई एस, मैं यहां पे डीएस स्मॉल ले रहा, मैं एस ले लेता हूं कंप्लीट, डीएस लेने की जरूरत नहीं, कंप्लीट ले रहे हैं। तो ई डॉट एस, तो ई डॉट डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो कोस थीटा। बच्चों आपको पता है डॉट प्रोडक्ट काटे तो कोस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट काटे तो साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाई इज इक्वल टू मैं ई एस कोस थीटा या फिर ई डॉट एस। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको पता होना चाहिए, किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं। देखिए आपने पढ़ा होगा गॉसेस लॉ और गॉसेस थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, तो उसने क्या बताया था कि जो ई एन डी एस ओवर ए क्लोज सरफेस वो किसके बराबर होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये होता है, यही डेफिनेशन बताई थी गॉसेस लॉ ने। अरे यहां पर हमने क्या पढ़ा, फाई इज इक्वल टू मैं ई डी एस या फिर आप कह सकते हो एस। अगर मैं इसको इसी फॉर्म में लिखूं तो ऐसा ही हो जाएगा, और एक क्लोज सरफेस ई एन डी एस,
यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट था ई और एस का, वहां पे भी डॉट प्रोडक्ट है। उस वीडियो में मैं बता चुका हूं कि एरिया का कोई वेक्टर नहीं होता, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बट गॉसियन लॉ के एप्लीकेशन में हम इसको किस तरह सोल्व करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, और कैसे वेक्टर क्वांटिटी बनाए, ये यूनिट वेक्टर लगा के। तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया, यूनिट वेक्टर, मतलब फाई की वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये, मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि फाई किसके बराबर भी हो सकता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये साइड दोनों के इक्वल है, ईएनडीएस ईएनडीएस, मतलब ये साइड भी दोनों की क्या हो जाएगी, इक्वल। तो फाई इज इक्वल टू में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। आपको जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रीवियस वीडियो को देखिए, आपको वहां पे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ पता चल जाएगा कि ये फार्मूला किसका था, गॉसियन लॉ का था। तो आपको ये फार्मूला भी पता होना चाहिए कि ये किसका है, गॉसियन लॉ का। तो ये हमने बता दिया, एक फार्मूला बता ई एस कोस थीटा, एक फार्मूला बता फाई इज इक्वल टू में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसके बाद हम जैसे जैसे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इसकी सिक्स एप्लीकेशन के ऊपर, मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सी एप्लीकेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है, वहां पे बताता जाऊंगा। बेसिक फॉर्मूले जिनकी मदद से हम ये पूरी जो मिस्ट्री है न्यूमेरिकल की वो सोल्व करेंगे वो ये है, इनके बेसिस के ऊपर सब सोल्व होगा, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन है वो काम करेगी। एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला। इससे पहले मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए अब जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं ताकि हमारे पास ऊपर जाते हुए स्पेस बन जाए। तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट की। तो देखिए, कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। तो हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 3×10³ I N/कूलम, मतलब किस डायरेक्शन में दे रखा है, एक्स एक्सिस में। आपको पता होगा तीन एक्सिस होते हैं, ऐसे ये तीन एक्सिस होते हैं, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, और ये क्या होता है, जेड। ये तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मेरा हाथ बनाऊं तो हाथ ये ऊपर वाई, और इस तरफ जो हमारा ये एक्स हो जाएगा, और जो इस तरफ है ये जेड हो जाएगा। ये ऊपर वाई, इस तरफ हमारा एक्स, और ये क्या हो जाएगा, जेड। ऐसे कर सकते हो, ये वाई, ये एक्स, और ये क्या, जेड। ये तीन, ऊपर वाई, इस तरफ कौन हो जाएगा, एक्स, और इस तरफ कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। What is the E through the square of 10 centimeter? क्या हो रहा है कि एक स्क्वेयर है 10 सेंटीमीटर, और वो किस में है, whose plane parallel to YZ? यानी कि उसका प्लेन किसके पैरेलल है, YZ प्लेन के। किसके प्लेन, जैसे कि ये एक सीट है, ये मैंने पूरी सीट ले ली, जो ये पूरी सीट है इसके YZ प्लेन, मतलब कैसे बता रहा हूं, देखिए ये x रहा, ये y रहा, और ये रहा z। ये जो yz प्लेन बचा, ये प्लेन इसके पैरेलल है, मतलब ये ऐसे रखा हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, देखिए ये फोर्ड का क्या है, एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, और बाहर की तरफ ये जो पेन है, ये जो डिनोट कर रहा कौन, ये है जेड एक्सिस, और इस जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में है, मतलब इसके किस में, परपेंडिकुलर में। समझ आए ना, मैं ऐसे रखा हुआ प्लेन, देखिए एक्स और ये जेड डायरेक्शन, ऊपर वाई, जेड, और इस तरफ कौन है, ये रहा एक्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। मैं फिर से बता रहा हूं, ये सीट का वाई डायरेक्शन है, ये सीट की एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, और ये कौन सी, एक्स डायरेक्शन है। तो ये इस एक्स के क्या है, परपेंडिकुलर, तो ऐसे रखी हुई है परपेंडिकुलर, और 10 सेंटीमीटर रूल्स प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड। यानी कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द ई थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर रूल्स प्लेन इज पैरेलल टू इसके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे E फाइंड आउट करना है। तो सॉरी बच्चों, मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे E नहीं, हमें फाई फाइंड आउट करना है। E तो हमें गिवन है, हमें फाई फाइंड आउट करना, व्हाट इज द फाई। अभी अभी बताया मैंने, फाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ई डॉट एस, अभी अभी इससे पहले डिस्कस किया। तो ई एस कोस थीटा, अब हमें चाहिए थीटा। अभी मैंने बता दी कि ऐसे रखी हुई है, ऊपर की तरफ वाई, ये जेड प्लेन, ये एक्स प्लेन। अब एक बात बताइए, जब आपने, मैंने गॉसियन लॉ की एप्लीकेशन बताई थी, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है उसकी चार प्रॉपर्टी बताई थी, ओ यू एन वी, मतलब आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यानी कि उस सरफेस से बाहर होना चाहिए, उसकी वैल्यू यूनिट होगी, यानी कि एक वैल्यू होगी, और नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर है ही। अब एक बात बताओ, ये है सरफेस एरिया, ये रहा, इसका नॉर्मल और आउटवर्ड किस तरफ होगा, ये रहा इस तरफ, इसी तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, आई, मतलब इस तरफ एक्स एक्सिस में,
ई ये रहा, और इसी डायरेक्शन में कौन हो जाएगा हमारे पास, इसी डायरेक्शन में एन हो जाएगा, मतलब एस की डायरेक्शन भी इसी तरफ हो जाएगी सरफेस एरिया। मैं फिर से बता रहा हूं, ये सीट है, इसका वाई प्लेन ये होगा, इसका जेड प्लेन, देखिए वाई प्लेन जेड प्लेन, और ये पॉट प्लेन कौन सा, एक्स, सीट ऐसे रखी है, इस सीट का परपेंडिकुलर तो इसी तरफ होगा, मतलब इसी तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरफ ये, दोनों में थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और कोस 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखो 3 × 10⁻³, और एस की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, एरिया, एरिया होने दे रखा 10 सेंटीमीटर, 10 × 10 और बाय में 100 × 100, क्यों किया 100, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना था, तो 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा 3, ये ऊपर जाएगा, इसमें से कैंसिल होगा इंटू 10, और ये कितना बचेगा 30, ये फ्लक्स आ जाएगी, और क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, और देखिए इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, ई इंटू एस, ई की होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया की होती है मीटर स्क्वेयर, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम, ये हमारे पास हो जाएगा पहला केस था जब हमने इसको किस में रखा, वाई जेड प्लेन ऐसे परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर भी इस तरफ और दूसरा ई की डायरेक्शन भी इस तरफ, दोनों में एंगल 0 डिग्री के बराबर। इसके बाद दूसरा पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वेयर, ऐसा ही स्क्वेयर है इफ नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस, मतलब क्या कह रहा है कि पहले तो ये एंगल कितना बना रहा था 0 डिग्री, अब इन्होंने कितना एंगल बना दिया इस प्लेन के बीच 60 डिग्री का एंगल, मतलब अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूं यहां से, अब क्या मतलब हुआ, फाई इज इक्वल टू मैं ई एस कोस थीटा, और यहां पे थीटा कितना रख दिया 60 डिग्री के साथ, यानी कि ये कहा कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मेक्स विद 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या, पहले ऐसे रखा हुआ था, ये इसका एरिया वेक्टर था और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर था, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इससे 60 डिग्री के ऊपर टिल्ट कर दिया, मतलब इसका जो एस वेक्टर होगा वो भी 60 डिग्री से टिल्ट हो जाएगा, मतलब ई और एस दोनों के बीच एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो यहां पे रखेंगे फाई इज इक्वल टू मैं ई की वैल्यू ये रही 3 × 10⁻³, और एस की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 10 × 10 कोस 60 और बाय में 100 × 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोनों एक से, और यहां पे बचेगा 30 और गुणा में कोस 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 30/2 कितना हो जाएगा 15, तो यहां से एक और फ्लक्स हमारे पास आ जाएगी, और इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो पहले में हमें क्या करना है 0 डिग्री एंगल, क्योंकि जो प्लेन है और एरिया वेक्टर है ऐसे, फिर इसने टिल्ट करके 60 डिग्री, मतलब अब ई और एस के बीच कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और पहले कितना था 0, इस प्रकार आप निकाल सकते हो। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से समझना और बार बार वीडियो देख के समझना अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो तो, ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इमेजिनेशन अपने दिमाग में बनानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि एक ये हो गया ऐसे, ये हो गया एक्स एक्सिस, अब इसका जो एरिया है इसका आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस तरफ होगा, मतलब दोनों में एंगल 0, अब इसको टिल्ट करके 60 डिग्री के ऊपर ले गए, मतलब अब ई और एस के बीच कितना एंगल होगा 60 डिग्री के बराबर होगा। तो ये न्यूमेरिकल था हमारा थर्ड जो हमने सोल्व कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं इससे पहले प्रीवियस न्यूमेरिकल के ऊपर, और वो न्यूमेरिकल क्या होगा देखिए आंसर नंबर 2, दूसरे का सॉल्यूशन, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस इंक्लोज ए चार्ज इतना, यानी कि हमें गॉसियन सरफेस बना लेते हैं जो है, और वो कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है × 10⁻⁸ कूलम, ये कौन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। फाइंड द फाई, सबसे पहला ही काम हमारा क्या, फाई फाइंड आउट करना, इफ रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल हाउ वुड बी द फ्लक्स, अब क्या कह रहा है इन्होंने, हमें क्या फाइंड आउट करना, फाई। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि बच्चे लगाते हैं कि ई इंटू एस कोस थीटा, ऐसा फॉर्मूला लगा दे, नहीं बच्चों कैसे लग सकता है, क्योंकि हमारे पास ना एरिया है ना एंगल है, तो आप खुद से सोचो कि ऐसा फॉर्मूला इस पे नहीं लग सकता। इसके अलावा भी एक फॉर्मूला था जो कि क्या हुआ है, एप्सिलॉन नॉट, कैसे आया था हमें पता कि देखिए ई है तो ई डॉट प्रोडक्ट का हुआ तो कोस थीटा नहीं लगेगा, एन डी एस और एक क्लोज सरफेस इज इक्वल टू में क्या हुआ है एप्सिलॉन नॉट, ये कौन था गॉसियन लॉ, ये कौन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये फाई किसके बराबर है, इसके बराबर भी है, क्या हुआ है एप्सिलॉन नॉट, ये होगा तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगी वो किसके बराबर होगी, क्या हुआ है एप्सिलॉन नॉट, तो फाई। अब चार्ज कितना दे रखा है, कितना इंक्लोज कर रहा है, वो पुट कर रखा है 8.85 × 10⁻⁸, और बाय में एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो भी 8.85 × 10⁻⁻ होती है,
10 टू द पावर माइनस 11 और इसके बाद हम इसको इससे क्या कर देंगे कैंसिल, ये ऊपर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 10 टू द पावर माइनस 8। अब 5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 बच गया किसके साथ प्लस के साथ। अब बच्चे इस असमंजस में हो जाते हैं कि सर ये तो ठीक आपने बता दिया, अब बात आती यूनिट की, यहां तक छोड़ाते हैं। अगर आप यहां तक इसको छोड़ के आओगे तो आपका क्वेश्चन में जो है अगला नंबर काट लेगा, क्यों, क्योंकि आपने यूनिट तो लिखी नहीं। अब आपको समझ नहीं आ रही कहां से, यहां से देख लो, फाइव इज इक्वल टू मेन टू एस, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, एस की मीटर स्क्वेयर, तो इसकी भी कितनी होगी न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम। तो आपको ये यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि गॉसियन सरफेस जो है वो हमने स्फेरिकल लिया है, और स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एंगल है और एंगल का हमारे पास कोई काम नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एरिया भी नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली चार्ज एनक्लोज दे रखा, तो ये फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व आउट कर सकते हैं बड़े इजी मेथड से। आप उससे मत सोल्व कीजिए, ये लगाइए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। आप अच्छी तरह से वीडियो को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे, मैंने इस पूरे चैप्टर को 5 पार्ट में डिवाइड किया न्यूमेरिकल के हिसाब से, पांचों पार्ट के मैं अलग अलग न्यूमेरिकल आपको देता रहूंगा। अब मैं 100% गारंटी लेता हूं, आप एक बार अगर मेरे चैनल पे आके अगर इन वीडियोस को कंप्लीट देखते हो तो आपके सीबीएसई बोर्ड के प्रत्येक न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और आप इजिली न्यूमेरिकल जो है सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट का। देखिए, E इज गिवन बाय, दे रखा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 6i प्लस में 3j प्लस में 4k, इसने नहीं दे रखा, आप यूनिट लिख दो, न्यूटन पर कूलम होती आपको पता, लिख सकते हो। कैलकुलेट द फाई इफ एरिया इज 20 यूनिट, फाई फाइंड आउट करना है एरिया 20 यूनिट इन वाई जेड प्लेन, किसमें वाई जेड प्लेन, मैंने अभी अभी बताया था किसमें दे रखा वाई जेड, मतलब क्या, ये रहा ये Z, ये Y एक्सिस और ये रहा X एक्सिस, और ये प्लेट किसमें रखी है, इस और इस प्लेन में रखी हुई है, ये तीन प्लेन होंगे इसमें रखी हुई है। मतलब अब मुझे निकालनी है फाई, तो फाई का वैल्यू क्या होगा, E इंटू एस डॉट, एस डॉट प्रोडक्ट आएंगे तो ई एस कोस थीटा। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, हमारे पास फाई, ये जो हमारे पास एरिया, एरिया दे रखा बच्चों ये 20 यूनिट एरिया, ये रहा, हमें निकालना कौन है फाई, तो मतलब एंगल क्या चाहिए, हमें एंगल चाहिए थीटा। अब बात आती एंगल देखने की, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप एंगल कैसे देखोगे। देखिए, ये आई डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में, के डायरेक्शन में, हमने लिया डॉट प्रोडक्ट, बात अच्छी है। अब डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद हमें देखें यहां पे 20 यूनिट दे रखा है और वाई जेड प्लेन में रखा हुआ, अब हमें और कुछ नहीं पता। अब देखो बच्चों, ये रहा ये वाई प्लेन, ये जेड प्लेन, और ये प्लेन कौन सा, एक्स प्लेन है। इसके बाद देखिए, एक्स प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड 6, वाई प्लेन में 3j और जेड प्लेन में 4k, देखिए दे रखा, ये एक्स में है, ये वाई में है और ये जेड में, यानी कि वाई में ये और एक्स में ये और जेड में ये। अब क्या होता है, आपको पता है कि जो एरिया वेक्टर होता है उसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल, मतलब जो ये है, ये पूरा प्लेन है, इस प्लेन का आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर ये होगा। मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऐसा प्लेन रखा हुआ है, ये रखा हुआ ऐसे कोई प्लेन, मैं इसको एक बनाने की कोशिश करता हूं, और ये प्लेन है, देखिए ये प्लेन होगा, ये प्लेन होगा और एक प्लेन हो जाएगा ये, ऐसे परपेंडिकुलर कोई भी प्लेन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, देखिए ये जेड प्लेन और ये वाई प्लेन और ये एक्स प्लेन, इस प्लेन के जो आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल, देखिए बाहर की तरफ है, ये एक्स प्लेन ऐसे लिया मैंने, ये जो एक्स प्लेन है ये ऐसे है, ये रहा एक्स प्लेन, आपको पता होना चाहिए एक्स प्लेन, इसलिए मैं इसको इस तरह बना रहा हूं। अब मुझे इस सरफेस का आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल देखना, तो आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल तो इस सरफेस का इस तरफ होगा, ये रहा आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल और ये रहा एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस की ही तरफ इसका आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल है, मतलब ये 20i है, मतलब कौन है ये 20i है। जिस प्लेन, अब एक बात मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, जब फ्लक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करो, जिस भी प्लेन में आपका वो प्लेन रखा हो, वो सीट रखी हुई, उसकी परपेंडिकुलर प्लेन देखो, वाई जेड में रखा है तो उसका परपेंडिकुलर प्लेन कौन होगा एक्स, अगर देखो वाई जेड में रखा है तो एक्स बचेगा, एक्स जेड में बचा है तो वाई बचेगा, वाई एक्स में बचा तो जेड बचेगा, देखिए वाई जेड प्लेन का एक्स परपेंडिकुलर एक्स जेड का, वाई परपेंडिकुलर वाई एक्स का जेड, जिस भी प्लेन में हो उससे दूसरे वाला प्लेन सिलेक्ट कर लो आप, यहां पे कौन है वाई जेड, तो यहां पे कौन आई, मतलब जीरो होगा जे की तरफ और जीरो होगा के की तरफ होगा। अब हम क्या करते हैं, फाई को सोल्व आउट करते हैं, ई की वैल्यू 6i प्लस में 3j प्लस में 4k, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है,
20i प्लस में 0j प्लस में 0k और cos 0, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में कौन है हमारा यूनिट वेक्टर, किसके लिए सरफेस एरिया। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 1। अब देखिए इसका इसके साथ सोल्व करोगे तो 120, 20 का 120, इसका इसके साथ सोल्व करो 0, इसका इसके साथ सोल्व करो 0, तो ये बच गया 120। अब ये आ गया फाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, फाई 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। अब बात आती है आप ऐसा कह सकते हो सर इस 6 का भी तो इसके साथ का इस 3 का भी तो करो। देखो बच्चों जब आप 3 का इस 20 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड जे में, और ये किस में एक्स डायरेक्शन में 20 और ये 3, दोनों के बीच एंगल कितना 90 और होता क्या 3 गुणा में 20 गुणा में कोस थीटा और थीटा कितना 90 और कोस 90 कितना होता 0, मतलब 0, मतलब आई का केवल आई के साथ ही कंपोनेंट बचेगा। अगर आई का जे के साथ करोगे तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 0 हो जाएगा। अगर आप इसका इसके साथ करोगे तो के और आई के बीच में एंगल क्या होता है 90 डिग्री, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आपको पता होना चाहिए 11th क्लास में बात आ जाती है, यहां पे भी 90, यहां पे भी 90, यहां पे भी 90, एक्स वाई जेड मतलब आई जे और के तीनों के बीच 90। अगर मैं ये और ये प्लेन लू जे और आई, देखिए मैंने लिया जे और आई दोनों में 90 है 0, अगर मैं के और आई लू देखिए इन दोनों में भी 90 मतलब 0, मतलब जो फ्लक्स बचेगी वो केवल इस कंपोनेंट के लिए बचेगी क्योंकि दोनों आई और आई के कंपोनेंट है, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा दोनों में क्या हो जाएगा 0, इसलिए 20 और इसके साथ 6 ये हो जाएगा। ये बच्चों ये था हमारे 3 न्यूमेरिकल जो फर्स्ट सेक्शन को मैंने सोल्व किया। तो हाँ, तो बच्चों अब तक हम पहले सेक्शन में 3 न्यूमेरिकल सोल्व कर चुके हैं और मैंने जो जनरल डिस्कशन बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में वो आपको बता दिया था। इसके बाद मैं एक और सेक्शन लेके आऊं जिसके अंदर हम 2 न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, तो आप देखते जाइए हम कैसे सोल्व करेंगे, बड़ी इजी ट्रिक्स के साथ हम इन न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे, आप देखते रहिएगा। अगर आपने एक बार ये न्यूमेरिकल जो मेरी वीडियोज है वो देख ली तो उसके बाद मैं 100% ये गारंटी लेता हूं कि आपको सीबीएसई बोर्ड में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आप आईसीएसई कोई भी बोर्ड से आप बच्चे हों, आप न्यूमेरिकल्स को देखिए आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। तो देखिए इसके बाद हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। द फ्लक्स थ्रू द फाई को हम फ्लक्स कहते हैं। आपको पहले से पता होगा कि जो फाई होता है उसको मैं किससे लिखता हूं, फ्लक्स से लिखता हूं, ये फ्लक्स होती है। थ्रू ए क्लोज सरफेस एस डैश इज फाउंड टू बी 4 times दैट ऑफ थ्रू एस, यानी पूरा डायग्राम बना रखा है जिसमें ये जो पूरा सरफेस है ये कौन है एस डैश, ये सरफेस अंदर वाला कौन है एस, इस जो अंदर वाले सरफेस की जो रेडियस दे रखी है 1 मीटर और बाहर वाले सरफेस की रेडियस दे रखी है 2 मीटर के बराबर। अब मैं क्या करता हूं इसके बाद ये बोल रहा क्या बोल रहा है दैट थ्रू द एस, यानी कि जो फ्लक्स जो होगी इस एस डैश के थ्रू, यानी कि मैं ये जो बोलना चाह रहा हूं क्या बोल रहा है फाई डैश, देखिए जो फ्लक्स एस के थ्रू होगी उसको फाई कहेंगे और एस डैश के थ्रू होगी उसको फाई डैश कहेंगे। तो फाई थ्रू द क्लोज सरफेस एस डैश इज फाउंड टू बी 4 times दैट ऑफ एस, मतलब फाई डैश कितना हो जाएगा 4 फाई के बराबर, 4 times थ्रू द एस के थ्रू। अब हमें क्या पता करना होगा, हमें फाइंड आउट करना इस चार्ज की वैल्यू। देखिए ये रखा चार्ज एस डैश ने कौन चार्ज इनक्लोज किया हुआ है चार्ज, और इसके अंदर Q1 Q2 और Q3 3 चार्ज है, ये सब चार्ज इस पूरे सर्फेस के अंदर एनक्लोज है। तो ये हमारे पास इन्होंने गिवन है, ये डेटा इन्होंने पहले ही दे दिया, ये इन्होंने क्या कर दिया गिवन, ये बात गिवन रख दी। अब हमारा काम क्या है, गिवन रखने के बाद हमारा सिर्फ इतना काम है अगर हमें कहीं से फाई और इस फाई डैश की वैल्यू मिल जाए तो हम दोनों में पुट कर देंगे और जैसे ही पुट करेंगे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी क्यू की। तो ये जो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन इन्होंने खुद नहीं दे दिया, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि एक सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो दूसरे के 4 times है। अगर मुझे ऐसा निकालना तो मैं पहले इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपको बता देता हूं। देखिए मैं पहले इस पूरे डायग्राम को इस तरफ बना लेता हूं, ये जो पूरा डायग्राम है यहां से थोड़ा आपको अच्छा व्यू मिलेगा। देखिए ये हो जाएगा एक सरफेस, ये सरफेस एस डैश, यहां पे जो चार्ज है क्यू है, यहां पे एक चार्ज रखा है Q1, यहां पे दूसरा चार्ज Q2, यहां पे तीसरा चार्ज Q3, इससे यहां से डिस्टेंस 1 मीटर और इसकी जो रेडियस है वो है 2 मीटर, ऐसे बना रखी है। ये एस डैश है और ये कितना एस, और इन्होंने बोला है कि जो फाई डैश है उसकी वैल्यू किसके बराबर है 4 पाई, ये गिवन है। देखिए ये रहा फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज
फाउंड टू बी फोर टाइम्स इन्होंने बोल रखी है बात। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस एस सरफेस को लेता हूं, इसका जो आंसर मैं लिख रहा हूं उसमें क्या लूंगा, सबसे पहले मैं इस एस सरफेस के लिए, देखिए बच्चों इस एस सरफेस के लिए जो फ्लक्स निकालेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि सर हम ई एस को थीटा लगा दें, तो बच्चों मैं वो बात आपको बताना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा आपको ये कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि यहाँ पे एंगल का कोई काम नहीं है, यहाँ पे एरिया का कोई काम नहीं है, हमारे पास फ्लक्स के दो फार्मूले थे, क्या हुआ है एप्सिलॉन, इसी वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दो फार्मूले फ्लक्स के, ई एस कोस थीटा और क्या हुआ है एप्सिलॉन, जहां पे एंगल गिवन हो वहां पे ये लगाओ, जहां पे एंगल गिवन नहीं हो ये लगाओ, तो हमारे पास कौन सा लगेगा, क्या हुआ है एप्सिलॉन के बराबर। अब एक बात देखिए, फाई इज इक्वल टू मैं क्या हूं एनक्लोज्ड लेते थे, एनक्लोज्ड आपने पढ़ा होगा, हम एनक्लोज लेते थे, ये जो चार्ज है हमेशा एनक्लोज, जब गोसिस थ्योरम बताई थी तो मैंने यही कहा था कि एनक्लोज चार्ज के लिए गोसिस थ्योरम अप्लीकेबल होगी, जो चार्ज एनक्लोज नहीं होगा उसके लिए गोसिस थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब ओवरऑल मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, आप देख सकते हो कि जो फाई है वो किसके बराबर होगा, क्या हुआ मैं एप्सिलॉन और चार्ज एनक्लोज, सबसे पहले सरफेस एस के लिए, किसके लिए सरफेस एस यानी कि इस अंदर वाले सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए, तो आप देख सकते हैं देखिए इस सरफेस में एस ने कौन से चार्ज एनक्लोज किए हैं, क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री, ये क्यू तो बाहर है, ये इसके फ्लक्स के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, मैंने पहले ही बताया क्लोज सरफेस, तो इस सरफेस ने जो चार्ज क्लोज किए हैं वो कौन कौन से हैं, एक क्यू वन है क्यू टू और क्यू थ्री, मतलब जो इसकी टोटल फ्लक्स आएगी किस सरफेस के लिए, फाइव, मैं इस सरफेस के लिए फ्लक्स लिख रहा हूं फाइव, तो कितना हो जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा क्योंकि टोटल चार्ज कितना क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री जो एस सरफेस ने इंक्लूड किया और बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर, तो ये हमारे पास फाई आ गई, इस फाई की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं कितनी आ गई, क्यू वन प्लस में क्यू टू प्लस में क्यू थ्री बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई फाई की वैल्यू, इसमें से हमने फाइव फाइंड आउट कर लिया, अब हमें करना फाइंड आउट फाइव डैश, तो देखिए फाइंड आउट फाइव डैश कैसे करेंगे, फिर से बताया फ्लक्स इज इक्वल टू मैं क्यू बाय में किसके बराबर एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगी। अब हम किसके लेते हैं सरफेस एस डैश के लिए, सरफेस एस डैश के लिए, ये एस डैश सरफेस है इसकी बात करते हैं इसकी, तो सरफेस जो एस डैश है उसके लिए फ्लक्स भी कितनी हो जाएगी फाइव डैश हो जाएगी, और इस फाइव डैश एस डैश सरफेस ने टोटल चार्ज कितना इंक्लोज किया, जो आप देख के बता सकते हो कितना इंक्लोज किया, देखिए इस पूरे सरफेस में ये भी इंक्लोज कर रखा है ये भी इंक्लोज, मतलब टोटल कितना हो जाएगा क्यू प्लस में क्यू वन प्लस में क्यू टू प्लस में क्यू थ्री और बाय में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज क्यू भी इसी के अंदर है, क्यू प्लस क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री तीनों का ये हो जाएगा। आप फाई की वैल्यू वहां पे पुट करते हैं तो करिए पुट, फाई इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा क्यू प्लस में क्यू वन प्लस में क्यू टू प्लस में क्यू थ्री बाय में एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल चार्ज हो गया, ये मैं इसको साफ कर देता हूं, अब हमारा कोई काम नहीं है, अब हमें काम, हमारा काम क्या है इस चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करने की, कितना क्या होगा देखिए कैसे करते हैं, मैं इसको साफ करता हूं, अब मैं इन दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दूं, देखिए फाइव डैश आया हमारे पास, ये फाइव डैश की वैल्यू क्यू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री और बाय में इसके हमने क्या कर दिया एक्चुअल नॉट, इसी प्रकार फोर और फाइव की वैल्यू ये रही क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री बाय में एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। अब मैं ऐसा कर सकता हूं बच्चों, देखिए अब हमें इसको केवल सोल्व करना हूं कुछ नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूं क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट प्लस में क्यू वन प्लस में क्यू टू प्लस में क्यू थ्री बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब मैंने इस क्यू वैल्यू वैल्यू को अलग निकाला और इन सबको अलग कर लिया और इसका इक्वल टू में कौन होगा फोर इंटू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस में क्यू थ्री बाय में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब क्या देखिए उस तरफ जाके किसका होगा माइनस का, ये है चार क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री बाय एप्सिलॉन नॉट और ये है एक, देखिए जरा एक और चार में से एक गया तो कितने बचेंगे तीन बचेंगे, कितना बचेंगे बच्चों तीन बचेंगे, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं यहां से इसको थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए इसको साफ कर रहा हूं, क्या हो जाएगा ओवरऑल क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट ये बचेगा, ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो एक बचेगा एंड की थ्री, फोर में से बन गया थ्री क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री बाय में एप्सिलॉन नॉट इतना हो जाएगा, ये हो गया। अब इस एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे
पास बचा क्या इज इक्वल टू में 3 × Q1 + Q2 + Q3, ये टोटल चार दिखा होगा, कितना होगा क्या इज इक्वल टू में 3 × Q1 + Q2 + Q3, इन सब का सम जो होगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल चार्ज जो उस सरफेस के ऊपर वो पूछ रहा था क्यू की वैल्यू। तो ये आ गया हमारे पास 3 × Q1 + Q2 + Q3, इतना हमारे पास उस सरफेस के ऊपर क्या होगा चार्ज होगा बच्चों। हाँ तो बच्चों अब तक हम चार न्यूमेरिकल सोल्व कर चुके हैं, पहले सेक्शन में 3 और इस सेक्शन का 1 न्यूमेरिकल। अब इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4, और इसका हम क्या देखेंगे आंसर देखेंगे सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए एन इन्फिनिटी लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक बात तो पहली बात देखिए, इन्फिनिटी लाइन चार्ज गॉसियस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन, गॉसियस लॉ मैंने बताया था उसकी कौन सी है ये फर्स्ट एप्लीकेशन, ये फर्स्ट एप्लीकेशन होगी जो मैं आपको बता चुका हूं कि गॉसियस लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन होती है वो किसके लिए फाइंड आउट किया था हमने, लाइन चार्ज के लिए। अगर किसी बच्चा जो नया हमारे चैनल पे वो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए क्योंकि आपको ऐसे ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, और उस मेरी वीडियो को गॉसियस लॉ वाली को जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि इन्फिनिटी लाइन चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया था वो कितना था हमारे पास λ/2πε0 × r, ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट की थी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। हमने कैसे बनाया था देखिए, इसी की बात बता रहा हूं, इन्फिनिटी लाइन चार्ज ये इन्फिनिटी तक गया और इसके ऊपर चार्ज है क्योंकि लाइन चार्ज बोल रहा है, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या कर रहा है, प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ इतना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा हो कितना कर रहा है 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, मतलब इससे 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या बताया इस न्यूमेरिकल ने, पहले न्यूमेरिकल आपको समझ आना चाहिए उसके बाद आप सॉल्यूशन कर सकते हो। क्या बोला है कि एक इन्फिनिटी लाइन चार्ज है जिसके 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता, तो फाइंड आउट था लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखिए मैंने ऐसी कुछ बात बताई थी, वहां पे एक गॉसियन सरफेस बना था, ये देखिए ये बना दिया फिर से मैंने गॉसियन सरफेस, ऐसा गॉसियन सरफेस मैंने बनाया था वहां पे, इस सरफेस को मैं क्या कहता था गॉसियन सरफेस जो चार्ज एनक्लोज करता था, ठीक है बच्चों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं इस तरफ लगा देता हूं, E is equal to λ/2πε0 × r, ये मैं लिखता था। इसके बाद मैं क्या करता था, यहां के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट डायरेक्शन करने के लिए सबसे पहले यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आपको मैं बता दूं फिर से कहीं पे भी आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो वहां पे आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट कर दो। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो इस चार्ज के ऊपर ये इसको किस तरफ रिपेल करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा, मतलब ई की डायरेक्शन ये रही। इसी प्रकार क्या करेगा, यहां पे जो आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल होता है एन की डायरेक्शन देखते थे, पहले स्टेप में ई की, दूसरे में एन की। अगर किसी बच्चा पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको कंप्लीट 1 सेकंड में ये बातें समझ आ जाएंगी। ये भी इसका आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल बाहर की तरफ, इसकी वैल्यू 0 × θ 0, ऐसे कुछ बात करते थे। जब हम इसको सोल्व करते थे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था λ/2πε0 × r। अगर आपके पास सीबीएसई बोर्ड में न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का आता है तो आपको ये डायग्राम बना देना ताकि अगला आपको पूरे मार्क्स दे, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ये ऐसा डायग्राम छोटा सा बना देना। अगर वो 2 नंबर में दे तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं, आप इस पूरे को खत्म कर दो और हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड λ/2πε0 × r, ये पहले से ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू λ/2πε0, यहां से स्टार्ट करेंगे लैम्डा निकालना लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा इज इक्वल टू माई इलेक्ट्रिक फील्ड 2πε0 × r। अगर मुझे लैम्डा निकालना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 9 × 10⁴ × 2 × π की वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 × 10⁻¹¹ और r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, और 4 को मीटर में बदलोगे तो डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 9 × 10⁴ और ये कितना हो जाएगा 2, ये 10⁴ है बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 9 × 2 = 18, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय में 3.14 और 8.85,
इसके साथ ये 18 देखिए 9 to 18 और 18 जो बेहतर, मैं इसको 72 कर देता हूं पहले। अभी 10 to the power 4 प्लस का है, ये किसका है माइनस का है, मतलब इसमें से गया तो कितना बचेगा 10 to the power minus 7 और इसके पूरे बाद में कौन है 100 है, ये 100 भी ऊपर आके माइनस का हो जाएगा, ये कितना बचेगा 10 to the power minus 9 बचेगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब आपको इसको सोल्व करना है, आपके पास क्या आ जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, ये आ जाएगा लैम्डा। ठीक है बच्चों, आप इसका एक मैथमेटिकल सोल्व लेना, बस आपको मैथमेटिकली आपको इसको सोल्व करना है, तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा 72 3 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा लैम्डा। अब इसके बाद आपने लैम्डा भी निकाल लिया यहां से, अब बात आती है आपने मान लिया लैम्डा आया 26.56 इतना आएगा, अप्रोक्सीमेट करके सोल्व कर देना, शायद इतना आ जाए, मेरे को 100% पता नहीं, आप सोल्व कर लिया इतना आ गया। अब इसके बाद आती है इसकी यूनिट, ये सब लिख लिया आपने, इसके बाद आती है इसकी यूनिट, तो यूनिट लिखने के लिए क्या बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय में लेंथ यही लिखते थे, और चार्ज की यूनिट कौन कूलाम और लेंथ की कौन मीटर, मतलब लैम्डा की यूनिट क्या हो जाएगी कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर, तो जिस जो भी वैल्यू आए उसके आगे के बाद लगा देना किसकी यूनिट कूलाम पर मीटर होती है। तो अब तक हम इस सेक्शन के या फिर जो बोसेस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जो पढ़ रहे हैं उसके हमने अब तक जो न्यूमेरिकल सोल्व किए वो 5 न्यूमेरिकल सोल्व किए, और आगे भी हम इस पे थोड़े से न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ताकि इजीली आपको ये न्यूमेरिकल बनाने में जब बोर्ड एग्जाम में आए तो इजी हो जाए। ये बच्चों किसी भी सेट में किसी भी टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, तो आपको प्रत्येक न्यूमेरिकल देखना चाहिए। हाँ तो बच्चों अब हम अगला न्यूमेरिकल जो सोल्व करेंगे वो यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या आ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखना क्योंकि बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका और पूछा भी जा सकता है। क्या कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू चार्ज इनसाइड ए क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर, यानी कि हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब हमारा एक रूम मान सकते हो जिसके अंदर आप रहते हो, क्यूब का ही काम करता है। अब इसके अंदर कौन इंक्लोज है चार्ज, जिसकी साइड कितनी दे रखी है 0.1 मीटर, ये बोल रखे इसकी साइड 0.1 मीटर और चार्ज इंक्लोज है। Ex is equal to my alpha x, यहाँ पे जो इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या दे रखी अल्फा x, और जहां पे अल्फा की वैल्यू 500 न्यूटन पर कूलम पर मीटर है। Ey और Ez दोनों की वैल्यू कितनी है 0, मतलब इस तरफ जो कंपोनेंट है Ey और इस तरफ जो कंपोनेंट है Ez, उन दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, अब देखिए हमें जो इसके आंसर में सबसे पहले हमें क्या निकालना है फाइन, और यहां पे हम किसकी बात लेंगे, यहां पे लेंगे हम ई एस कोस थीटा की। क्यों बात लेंगे ई एस कोस थीटा की, क्योंकि चार्ज बाय एप्सिलॉन का काम नहीं, क्योंकि यहां पे कहीं पे आपको चार्ज की वैल्यू गिवन नहीं है, अगर आपको चार्ज की वैल्यू गिवन होती तो आप क्या हुआ एप्सिलॉन लगा सकते। एक बात और बच्चों, इस पूरी यूनिट के अंदर एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है 8.85 × 10^-12 होती है, मैंने कहीं पे 11 लिख दी मेरे से वो मिस्टेक होगी, तो आप उसको याद रखना, मेरे को ध्यान देना -12 होगी, ये बात आप याद रखना एप्सिलॉन की वैल्यू। आप देखिए मैं आपको क्या बताता हूं आगे, आगे एक बात समझिए, देखिए ई एस कोस थीटा मतलब ई और एस ये कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये कौन है एरिया, इन दोनों के बीच का एंगल कौन होगा कोस थीटा। अब ये कोस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम जो फ्लक्स लिखेंगे, देखिए हमारा जो क्यूब है इसके 6 फेसेस है, एक फेस ये रहा, एक फेस नीचे रहा, एक फेस इस तरफ रहा, एक इस तरफ रहा, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। हमारे घर में रूम है उसके 6 फेस होते हैं, एक छत और एक हमारे पास जो जो होती है फर्श होता है, वो दो, एक साइड वाला और एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला, चार ये एक ऊपर और एक नीचे 6 होते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रही, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही, मैं अगर ये फेस कंसीडर करूं, ये फेस कंसीडर कर रहा हूं, देखिए ये फेस है ऐसे, ऐसे है ये फेस, इसी प्रकार है ये फेस ऐसे है, ये फेस है, इस फेस का आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर किस तरफ होगा इस तरफ, बाहर की तरफ इसके इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, मतलब क्या हुआ ई एक्स बी इस तरफ है और एन बी इस तरफ है, दोनों में थीटा कितना हुआ 0 डिग्री। देखिए ये रहा एन, एन बी इस तरफ और ई एक्स बी इस तरफ, दोनों के अंदर एंगल कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि अगर मैं इसको एन को अंदर की तरफ लेता हूं तो बॉक्स से इनसाइड हो जाता है, बट यूनिट नॉर्मल हमेशा आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, इसने बॉक्स से बाहर लिया एन की डायरेक्शन, और एन की डायरेक्शन और ई एक्स की डायरेक्शन दोनों क्या है सेम है, उसी डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा कितना होगा 0। अब मैं बात करता हूं इस फेस की, देखिए ये फेस रहा,
इस फेस एक ऐसे फेस है, ये भी ऐसा फेस है, देखिए ये पूरा जो है ऐसे, ये ऐसे और ऐसे है, इस फेस के लिए उस तरफ, तो इस फेस के लिए आप रोड इनवर्ट नॉर्मल, इस तरफ मतलब इसका जो होगा एंड होगा वो इस तरफ होगा, और इसका जो एक्स है वो किस तरफ है, ई एक्स इस तरफ है, ये रहा इस पॉइंट की बात करें इसका एंड इस तरफ, ई एक्स इस तरफ, मतलब थीटा कितना 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं इस फेस की, देखिए इस फेस की बात करते हैं, इस फेस की बात करेंगे, ये फेस एक बार आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद जब आप समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल बिल्कुल 2 सेकंड नहीं तो 5 सेकंड या 10 सेकंड का ज्यादा नहीं है ये न्यूमेरिकल, एक बार समझना पड़ेगा। आप देखिए ये ऊपर रूफ हमारी जो छत है वो, और छत का आउटवर्ड हमेशा किस तरफ होता है, इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, ये इस तरफ, दोनों में एंगल कितना 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, देखिए कोस 90 0 तो पूरी टर्म 0, मतलब इसके लिए कोई फ्लक्स नहीं होगी, इसके लिए फ्लक्स कितनी होगी 0। इसी प्रकार में इस नीचे वाले सरफेस की बात करूं, इसकी इसके लिए आउटवर्ड नॉर्मल हो नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ मतलब एंगल 90 डिग्री, इसके लिए भी कोई फ्लक्स नहीं होगी। अब मैं पीछे वाले फेस की बात करता हूं, ये रहा जो ये फेस रहा, ये और ये फेस, उसके लिए अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ तो 90 डिग्री। अब मैं बाहर वाले फेस की बात करता हूं, इसकी इसके लिए बाहर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ, यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री, मतलब उसके लिए फ्लक्स 0, मतलब 6 फेसेस में से 4 फेस की फ्लक्स तो क्या हो जाएगी 0, और बचेगी किसके लिए, इन 2 फेसेस के लिए, एक फेस ये रहा और दूसरा फेस ये रहा, ठीक है। मैं इसको कोई भी नाम देता हूं, ए बी ये सी डी, इसको मैं क्या कहता हूं ई, इसको कहता हूं एफ, इसको कहता हूं जी और इसको कहता हूं एक्स, ए बी सी डी, ये सी रहा डी और ये है जी और ये हमारे पास एच, ये हमारे पास एफ और ये हमारे पास ई, केवल इन सरफेसेस के लिए हमारे पास फ्लक्स रिमेन रहेगी, मतलब अगर मुझे टोटल फ्लक्स फाई लिखना है तो फाई के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले जो फ्लक्स होगी फाई किसके लिए, तो ए बी सी डी सरफेस, ए बी सी डी सरफेस, जिसके लिए थीटा कितना है 180 डिग्री, प्लस में दूसरी फ्लक्स किसके लिए होगी, इस सरफेस के लिए ई एफ जी एच, और जिसके लिए थीटा कितना है 0 डिग्री है। आप एक बात आप समझ सकते हो, देखिए फाई टोटल, आप फाई टोटल निकालना ई इंटू एस कोस थीटा, आप देखिए ई इंटू एस और कोस थीटा मतलब कोस 180 डिग्री, प्लस में ई इंटू एस मतलब कोस 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आप टोटल फ्लक्स अगर हमें निकालने हैं, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का ई एस हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो एरिया है इसके लिए, ये किसके लिए हमारे पास, इसको मैं डैश बोल देता हूं, इसको मैं डैश बोल देता हूं, क्योंकि इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया आप सेम ले सकते हो, एरिया की कोई दिक्कत नहीं है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं, इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स बात की डैश बात करता हूं, क्योंकि इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, क्यों अलग होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, इस फेस के लिए एक्स ये रहा, अगर मैं इस फेस की एक्स की बात करूंगा तो ये 0.1 और 0.1 दोनों एड हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ई एक्स डिपेंड ऑन अल्फा एक्स के ऊपर, एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, इस फेस के लिए एक्स ये है और इस फेस के लिए एक्स ये पूरा है, इसलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई एस और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ई डैश एस के बराबर होगा ई एस। अब मैं इसको थोड़ा सा यहां से साफ कर देता हूं, देखिए बच्चों ये मैंने यहां से साफ कर दिया। अब देखिए अब मुझे ई एस की वैल्यू ई डैश एस की वैल्यू चाहिए, मतलब मैं इसको मान लेता हूं फाइव वन और इसको मान लेता हूं मैं फाइव टू इज इक्वल टू मैं फाइव, ये दोनों हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं फाइव वन की वैल्यू, इस सरफेस के लिए ए बी सी डी, फाइव वन है ये, इसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एस ये बचेगा, माइनस का साइन यहीं पे हम यहीं पे लगा देंगे ई इंटू एस। आप E की वैल्यू ये रही, देखिए E इंटू एक्स किसके बराबर है अल्फा इंटू एक्स, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 500, पहले ही गिवन है 500, मतलब 500 इंटू एक्स। आप इस सरफेस से यहां तक की डिस्टेंस है कितनी, ये पूरा सरफेस है, इस सरफेस से यहां तक की डिस्टेंस ये दे रखी 0.1, मतलब मैं इसको यहां पे कितना पुट कर सकता हूं 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने ये रख दिया ई एक्स, मतलब 51 is equal to my 500 multiplied by 0.1 और s इसका एरिया, इसका एरिया, एरिया क्या हुआ लेंथ गुणा में ब्रेथ, इसकी लेंथ भी a है और ब्रेथ भी a है, तो a into a, a का स्क्वायर हो जाएगा, ये होगी बात। अब इसके बाद मैं इसको साफ कर रहा हूं यहां से, ये एरिया मैंने साफ कर दिया, देखिए आप देखिए 52, अब 52 की बात करता हूं, 52 के लिए हमारे पास e डैश
एस हो जाएगा। अब एक बात बताइए, तो ई डैश है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ई डैश की वैल्यू, ई डैश, ई डैश कौन है, अल्फा इंटू एक्स, अल्फा की वैल्यू पहले से ही 500 है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स, देखिए इस सरफेस के लिए टोटल एक्स कितना हो जाएगा, ये पूरी डिस्टेंस यहां से आता है, तो 0.1 प्लस 0.1 0.2 के बराबर हो जाएगा। आप आई टू ई डैश की वैल्यू 500 गुणा में 0.2 और मल्टीप्लाइड बाय में एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ये होगा 51, ये होगा 52, दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखिए जैसे इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल 5, ये माइनस का साइन पहले ही था इसके साथ, तो माइनस, देखिए क्या होगा, माइनस साइन था तो माइनस लगा देता हूं, पहले बताया था माइनस साइन ये रहता है यहाँ पे, माइनस का ही लगा देता हूं, 500 गुणा में 0.1 ए स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा, 500 गुणा में 0.2 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा दोनों तरफ। अब मैं इसको यहां से साफ कर रहा हूं, देखिए आप बात कर सकते हैं कि अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो बाई में 10, यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो इसके बटे में 10, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 50 ए स्क्वायर बचेगा माइनस का, यहां पे क्या बचेगा, 50 गुणा में तो 100 ए स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू 5। अब ये 50 ए स्क्वायर में से 100 ए स्क्वायर में से ये गया तो कितना बचेगा प्लस का, 50 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये 50 ए स्क्वायर। अब ए जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.1, ए की वैल्यू कितनी है, 0.1 है, मैं इसको यहां से साफ कर रहा हूं फिर बता देता हूं, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 0.1, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 0.1 गुणा में 0.1, मतलब अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो पाई में कितना, 100, मतलब इसके पूरे के बटे में मुझे क्या करना होगा, 100 करना होगा, तो 5 इज इक्वल टू में 50 गुणा में 1 बाय में 100, तो ये कैंसिल हो गए 2, यानी कि 1 बाय में 2, और इसकी यूनिट, इसकी यूनिट आप जो है लिख सकते हो फाई की ई इंटू एस, मतलब न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले ई एक्स और हमने फ्लक्स निकाले फाई वन और फाई टू, फाई वन और फाई टू केवल दो सरफेसेस के लिए बचेगी, एबीसीडी सरफेस और इसके लिए, बाकी के लिए जीरो होगी क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, इसके लिए हो जाएगी माइनस का ई एस और उसके लिए हो जाएगी प्लस का ई डैश एस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से दिख रहा है एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसके लिए यहां से डिस्टेंस जो एक्स है 0.1 और इस सरफेस के लिए कितने 0.1 प्लस 0.2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रखेंगे, ये 500 गुना में एक्स की वैल्यू 0.1 और एरिया ए स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे ई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 प्लस 0.1 0.2 और उसका ए स्क्वायर, दोनों को ऐड किया और ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतनी फ्लक्स की सरफेस की आ जाएगी। ऐसा न्यूमेरिकल आपको किसी भी फॉर्म में सोल्व करने के लिए मिल सकता है, ऐसे सोल्व होता है। हाँ तो बच्चों अब हम जो गॉसियन थ्योरम के लिए बात की थी उसका जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो सोल्व कर रहे हैं इसके ऊपर, इसके बाद अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और करोगे मेरे न्यूमेरिकल देखने के बाद तो आपको 100% कोई भी न्यूमेरिकल अगर इस टॉपिक या इस पूरी यूनिट के ऊपर आएगा तो आप इजिली सोल्व कर पाओगे। तो देखिए लास्ट न्यूमेरिकल, ए पार्टिकल ऑफ मास 9 × 10⁻⁵ kg, इतना मास कैप्ट ओवर ए लार्ज हॉरिजॉन्टल सीट ऑफ चार्ज हैविंग सिग्मा, इतना मतलब हैविंग चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है इतना, व्हाट चार्ज शुड गिवन टू दिस पार्टिकल सो दैट इफ रिलीज्ड इट डज नॉट फॉल डाउन, मतलब क्या कह रहा है कि मान लिया जाए कि सीट है, इस सीट का जो वेट है वो है एम जी, इसको एक पार्टिकल दे दिया ये, और ये पार्टिकल है जो ये इसको कितना चार्ज दे, ये सीट है जैसे कि सीट है, इस सीट के ऊपर मैंने, इस सीट के ऊपर मैंने पार्टिकल रख दिया, ये मेरा हाथ एक सीट का काम कर रहा है, मैंने इसके ऊपर एक पार्टिकल रख दिया, तो मैं इसको, इस पार्टिकल को कितना चार्ज दूं, अगर मैं इस पार्टिकल को कितना चार्ज दूं कि अगर मैं इस सीट को रिलीज करूं ये नीचे ना गिरे, अगर मैं इस सीट को रिलीज करता हूं तो ये पार्टिकल नीचे नहीं गिरना चाहिए, मैं इसको कितना चार्ज दूं ये पूछा है, तो मैं मान लेता हूं कि मैंने इसको चार्ज दे दिया, क्यों लेट कर लिया कि हमने कितना चार्ज दे दिया, क्यों चार्ज, लेट वी गिव, हमने कितना क्या चार्ज दे दिया क्या। अब एक बात आओ, जो ये सीट है, इस सीट का जो हमेशा वेट होता है वो किस तरफ होता है, नीचे की तरफ, यानी कि इस सीट का जो वेट होगा वो किसकी तरफ होगा, एम जी, और जो ये चार्ज लगा दे दिया वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या, ई। तो बच्चों
तो ये वेट इसका नीचे की तरफ होगा mg, और जो चार्ज गिवन इस चार्ज के कारण जो फोर्स आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा जो कि क्या होगी, मतलब इस क्या हो e की वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाएगी mg, क्योंकि ये mg भी क्या होता है फोर्स और ये भी क्या होता है फोर्स के बराबर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है क्या हुँ? तो mg बाय में क्या हो जाएगा e के बराबर हो जाएगा, mg बाय में e हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब आप एक बात देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो सीट के लिए होता है कितना होता है सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन। ये मैंने एक एप्लीकेशन करवाई थी आपको, जो गॉसियन लॉ की एप्लीकेशन थी, वहां पे बताया था कि सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, इन्होंने सीट बोल रखी है, और सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, गॉसियन लॉ की 5th एप्लीकेशन थी। जो बच्चे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को जाके देखें, आपको पता चलेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। तो बच्चों आज जो हम वैसे भी टॉपिक कर रहे हैं न्यूमेरिकल पोर्शन कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए, जो कंप्लीट हमारा जो सेक्शन होगा वो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, और किस टॉपिक के ऊपर गॉसियन लॉ के ऊपर होगा, मैं इसको साफ कर रहा हूं। तो हम क्या कर रहे हैं न्यूमेरिकल पोर्शन सीबीएसई बोर्ड के लिए, न्यूमेरिकल फॉर सीबीएसई बोर्ड के लिए हम कर रहे हैं, और किस टॉपिक के ऊपर गॉसियन लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप देखिए ई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दू तो क्या हो, इस ई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो एम इंटू जी, और क्या हो जाएगा सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन। अब देखिए मास कितना दे रखा है 9 × 10⁻⁵ kg, जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 m/s² यूज कर सकते हैं आप, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻²⁻² होगी। बच्चों कहीं पे मैंने गहरा लिख दिया तो उसको चेंज कर लेना, गलती से लिखी गई। सिग्मा की वैल्यू गिवन है, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻²⁻⁵। और बच्चों आज हम सोल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल फॉर सीबीएसई बोर्ड के लिए, और ये न्यूमेरिकल हम किसके ऊपर कर रहे हैं गॉसियन लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपकी तरफ भेजूंगा। तो देखिए एम की वैल्यू रखते हैं 9 × 10⁻⁵ kg मल्टीप्लाइड बाय में जी हमारे पास 10 होगा, 2 मैं ये आगे लगा लेता हूं, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इसके मल्टीप्लाई बाय में, मैं यहां से साफ कर दे रहा हूं 8.5 × 10⁻²⁻½, ये बात हमने लिख दी। इसके बाद हमारे पास बाय में क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या था, ये सिग्मा नीचे था तो सिग्मा की वैल्यू 5 × 10⁻⁵ के बराबर। अब देखिए 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4 और 4 × 9 = 36 गुणा में 8.85 हो गया इतना। अब इसके बाद 10⁻⁵ ये है और 10⁻²⁻½ ये है, −5 kg और माइनस ये, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, इससे क्या होगा कैंसिल आउट, हमने इतना वेट ले रखा है ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा 10⁻²⁻½ के बराबर। अब देखिए मैं इसको कंप्लीटली अप्रोक्सीमेटली ये 8.85 है तो मैं इसको 9 मान लू। देखिए बच्चों अगर आपको बोर्ड में एग्जाम में सोल्व करना है एमपी पेपर पे तो आप थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हो, नहीं तो आपको कंप्लीट सोल्व, आप इसको थोड़ा ट्रिक कर लो, इसको मैं 9 मान लो, देखो 9 × 9 = 5, 9 × 3 = 5, 32 × 10⁻²⁻½, ये इतना हमारे पास चार्ज आ जाएगा जो कि किसमें होगा कूलम में होगा, इतना चार्ज। आप उसको और तरीके से भी वो कर सकते हो, मैं इसको ये हटा देता हूं, देखिए ऐसे भी कर सकता हूं इसको 3.24, मैं इसको आगे लेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 10⁻²⁻⁰, इतना कूलम चार्ज भी हो सकता है बच्चों। तो आप चाहे ऐसे सोल्व करो चाहे इसको अप्रोक्सीमेट मान लो और इसको सोल्व कर सकते हो, और आपके पास जो अप्रोक्सीमेट आंसर भी होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है जो उसके पास होता है। ये फार्मूला लगाया, यहाँ पे कंसेप्ट क्या था, ये एक है इसके ऊपर मैंने पार्टिकल रख दिया, इस सीट का वेट नीचे की तरफ होगा और पार्टिकल के ऊपर हमने क्या वो चार्ज दे दिया, तो पार्टिकल पे फोर्स ऊपर, मतलब फोर्स किसके बराबर होगा क्या E = mg के बराबर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो कितना होता है सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने गॉसियन लॉ के एप्लीकेशन में बता दी, इसलिए बोलता हूं आपको फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए बच्चों, प्रत्येक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और इसके जो मैं सबसे लास्ट का आपको न्यूमेरिकल पार्ट दूंगा कैपेसिटर के ऊपर, उसके साथ साथ मैं आपको एक न्यूमेरिकल सीट भी दूंगा जो आप सब बच्चे लिख सकते हो इस पूरे टॉपिक के ऊपर, जो न्यूमेरिकल की जो है उसकी जो सीट है वो फॉर्मूला सीट वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसी YouTube चैनल के ऊपर आपको केमिस्ट्री की वीडियोस भी मिल जाएंगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, अगर आपको हम उसको सॉल्यूशन करेंगे।